हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाई टीच पर लेके आई हूँ NHM उत्तर प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और जो आई है वो किसके लिए आई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आई है। यहाँ पे हमारी जो रिक्रूटमेंट है, जो पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो हैं 7401 वैकेंसी, मतलब 7401 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और जो हमारा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुआ है 28 अक्टूबर से और इसके लिए हम 17 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो जो UR कैटेगरी है उसमें 2960 वैकेंसी हैं, EWS में 740 वैकेंसी हैं, OBC में 1998 वैकेंसी हैं और ST कैटेगरी में 1555 वैकेंसी हैं। और जो ST कैटेगरी है उसमें 148 वैकेंसी हैं। फिर बात आती है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, वहाँ पे जो वुमेन्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 1480 वैकेंसी हैं, PWD कैंडिडेट के लिए 296 वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 370 वैकेंसी हैं और जो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 148 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमें यहाँ पे बोला गया है, जो BSc नर्सिंग है वो हमारी किसके साथ होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट, हमारे पास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए उसके लिए कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स की, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो उसके साथ भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स की, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट्स अभी उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जैसे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा इंसेंटिव बताया गया है, हमारी जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 21 से 40 साल रहने वाली है, 21 से 40 साल तक ही हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज हमारी 21 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो हमारी है 40 ईयर्स। यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी है, 5 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST, इनके लिए क्या है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 15 साल का रिलैक्सेशन है, यहाँ पे सभी कैटेगरी का रिलैक्सेशन बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। फिर यहाँ पे बताया गया है अगर आपके पास कोविड का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वेटेज क्राइटेरिया क्या है, अगर आपके पास छः मंथ की कोविड के अंदर काम कर रखा है तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, 1 ईयर का है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने 1 ईयर एंड 6 मंथ ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट एंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एट आउटसोर्ट टेम्परेरी HR कॉन्ट्रेक्चुअल एंड वर्क एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, तो उनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, उनको यहाँ पे क्या दिए जा रहे हैं, मार्क्स दिए जा रहे हैं उसके बेसिस पे। अगर उनने वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं कोविड से रिलेटेड जब वो हुआ था तो उस टाइम पे अगर उन्होंने वहाँ पे काम किया है किसी हॉस्पिटल वगैरह में तो उनको यहाँ पे क्या दिए जाएंगे, मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हमारे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोले गए हैं, UR EWS कैटेगरी के लिए हमारे मिनिमम 33% मार्क्स रिक्वायर्ड है, OBC के लिए 30% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और SC ST PWD के लिए 24% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस हमारा यहाँ पे दो फेज में होगा, सबसे पहले हमारा CBT 1 होगा, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो होगा, और सेकंड के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके अंदर हमारे दो पोर्शन आएंगे, मतलब 2 घंटे का होगा, 2 सेक्शंस आएंगे। सेक्शन 1 हमारा 80 मार्क्स का रहने वाला है, उसके अंदर हमसे जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो पूछी जाएगी। जो सेक्शन 2 है वो 20 मार्क्स का आएगा, उसके अंदर हमारे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हमसे पूछी जाएगी। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो हमारा पेपर है
वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हमारा UR के लिए AWS के लिए 33% है, OBC के लिए 30% है और SC ST PWD के लिए 24% है। अगर हम यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे हमें जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें क्या करने हैं, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर अपलोड करने हैं, वो सभी हमें यहाँ पे बताए गए हैं। हमारी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट होनी चाहिए हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की और BSc नर्सिंग की, वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी है। उसके बाद जो हमारे पास सर्टिफिकेट है वो हमें अपलोड करनी है। फिर हमारे पास जो QR जो कोविड एक्सपीरियंस है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। फिर हमारी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। वैलिड फ़ोटो ID और एड्रेस प्रूफ डालना है। फिर यहाँ पे हमें हमारी डोमोसाइल डालनी है और अगर हम PWD या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विस मैन है तो हमें यहाँ पे उसकी सर्टिफिकेट लगानी है। और जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट प्रिफ्रेंस पक्का से पक्का डालनी है, नहीं तो उनका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन है इसके अंदर साफ साफ बताया गया है जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगी, बाद में जो जो कैंडिडेट्स बचेंगे उनको क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे। यहाँ पे कुछ हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रखी हैं, ये मैं कंप्लीट YouTube चैनल पे, सॉरी Telegram चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स बताई गई हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो जो आगरा है उसमें 119 वैकेंसी हैं, अलीगढ़ में 71 वैकेंसी हैं, अम्बेडकर नगर में 41 वैकेंसी हैं, अमेठी में 85 वैकेंसी हैं, अमरोहा में 39 वैकेंसी हैं, अयोध्या में 97 वैकेंसी हैं। उसके बाद हमारा जो बांडा है उसमें 111 वैकेंसी हैं, बरेली में 61 वैकेंसी हैं। यहाँ पे सभी के नाम दिए गए हैं और सभी की वैकेंसीज बताई गई हैं कि किस में कितनी वैकेंसी आई हैं। टोटल हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर हमारी क्या आई हैं, वैकेंसीज आई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।